Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, English या किसी भी language को सीखने के लिए सिर्फ class attend कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है या उसके formulae सीख लेने ही काफ़ी नहीं होते हैं कि हम sentence को कैसे बनाते हैं. ठीक है friends, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये भी है ज़रूरी कि vocabulary को याद करना, मीन्स वर्ड्स. जितने भी ज़्यादा आप इंग्लिश में वर्ड्स याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये मददगार साबित होगा, आपका इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, आपको इंग्लिश में बोलने के लिए काफ़ी मदद करेगा. आप चाहे जितना भी आप फार्मूला रट लो, आप इंग्लिश की क्लासेज अटेंड कर लो, सीख लो, बट अगर जब तक आपको वर्ड्स याद नहीं है तब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे जो भी आप कुछ बोलना चाहते हो. अगर आपको इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स याद है तो आप फॉर्मूला एक बार गलत शलत भी आपको अगर याद है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, किस बारे में बताना चाह रहे हो. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि सिर्फ 10 मिनट देकर आप 1000 से भी ज़्यादा या 1500 से भी ज़्यादा आप वर्ड्स याद करें, कैसे करें हम इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है. तीन चीज़ें, रीडिंग. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश की बुक लेकर आप रोज़ रीडिंग किया करो. दूसरी चीज़ लिसनिंग. आप कहीं से भी, जहाँ से भी आपको वो भाषा सुनने को मिलती है, जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश मूवी देखो, इंग्लिश सीरियल देखो, इंग्लिश प्रोग्राम देखो टीवी पर, या इंग्लिश की स्टोरी पढ़ो, काफ़ी कुछ मीन्स काफ़ी चीज़ें हैं, माध्यम है जहाँ से हम इंग्लिश सुन सकते हैं रोज़ के. रोज़ के सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप समय दे सकते हो सुनने में आप दो. सुनने में हमारा बहुत फायदा होता है, सुनने से हम बहुत कुछ सीखते हैं. इसके लिए सुनने की जो क्षमता है वो हमारे पास रहनी चाहिए, मीन्स पेशेंस रहना चाहिए, तो सुनना. और तीसरी चीज़ है स्पीकिंग, मीन्स जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जिस लैंग्वेज के बारे में हम सीख रहे हैं उसको हम बोलने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बोलने की कोशिश करने से गलत या सही, बट एक बार आदत डालनी है बोलने की. बोलते 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 हम एक दिन आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बाद हम सही क्या है गलत क्या है उसके बाद हमको खुद, हमें खुद पता चलने लगेगा कि सही क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत क्या बोल रहा हूँ. अगर हम कहीं क्लास अटेंड किए हुए हैं, कहीं कुछ सीख रहे हैं बुक से या क्लास से, तो धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा कि हम क्या गलत बोले क्या सही बोले, फिर उसके बाद हम सुधार लेते हैं. बट पहली बात जो है ज़रूरी है, चीज़ है, ये है कि स्पीकिंग मीन्स बोलने की आदत डालनी है. ठीक है फ्रेंड्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वोकैबुलरी आपको याद होनी चाहिए. वो कैसे याद करेंगे, बैठ के आधा आधा घंटा, एक एक घंटा हम एक एक दिन में सोचेंगे 20 वर्ड मीनिंग्स, 25 या 30, 50 वर्ड मीनिंग्स याद कर ले वर्ड्स वोकैबुलरी, तो ये मुमकिन नहीं, मतलब मुमकिन होगा बहुत लोगों के लिए लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, मीन्स बोर होने लगता है आदमी. तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 5 वर्ड मीनिंग्स, सिर्फ 5 वर्ड मीनिंग्स रोज आप याद करते हो, तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 5 वोकैबुलरी रोज याद करते हो तो आप साल के, अगर एक साल में आप काउंट करो तो 1825 वर्ड मीनिंग्स आप याद कर चुके होंगे वन ईयर में. अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए कहीं क्लास अटेंड किए हो या किसी बुक से सीख रहे हो या यूट्यूब से सीख रहे हो, तो एक साल में आपको जो 1825 वर्ड्स याद हुए रहेंगे वो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगी. और जिस दिन, यकीन मानो, आप इंग्लिश सीखते हुए जिस दिन आपको 1000 वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएगा, उस दिन आप इंग्लिश में बात करने लगोगे अच्छी तरह से. ठीक है फ्रेंड्स, अगर 1825 वर्ड मीनिंग्स में आपका 500 या 1800 आप डिलीट भी कर देते हो, मीन्स भूल भी जाते हो, तो 1000 वर्ड्स आपको याद रहेंगे जो इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो वोकैबुलरी किस तरह से याद करना है, इस तरह से याद करना है कि 5 वर्ड मीनिंग्स को आप या किसी पेपर पे लिख लो, या आजकल तो मोबाइल है सबके पास, तो मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लो बोल के स्पेलिंग के साथ, और जहाँ कहीं भी आपको टाइम मिले आप मोबाइल में ईयरफोन लगाकर सुनते रहो, उसको रिवाइज करते रहो. 5 वर्ड मीनिंग्स याद करना कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली हो जाता है. और उसको एक हफ्ते तक आपने याद किया
एक हफ्ते तक फाइव फाइव वर्ड मिक्स याद किया आपने, फिर संडे को जितने भी आपने एक हफ्ते में याद किया है, संडे को सारा रिवाइज कर डालो, पूरा रिवाइज कर डालो। अगर आप रिवीजन नहीं करते रहोगे तो फिर वो धीरे धीरे आपके दिमाग से डिलीट होता जाएगा। ऐसा नहीं कि फाइव वर्ड मिक्स एक दिन में याद कर लिया, फिर एक साल तक फिर उस फाइव वर्ड मीनिंग्स को हमने देखा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा करने से आपके दिमाग से धीरे धीरे सारे वर्ड्स डिलीट होते जाएंगे। ये एक मीन्स साइंस कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं और एक हफ्ते तक हम उस चीज़ को फिर से उस पर नज़र ना डालें, या उसको फिर से याद ना करें, या उसको रिवाइज ना करें, तो एक हफ्ते के बाद वो चीज़ें अपने आप हमारे दिमाग से डिलीट होने लगती है। इसलिए एक हफ्ते में आपको रिविज़न करना ज़रूरी है, हर हफ्ते। दूसरे नेक्स्ट वीक तक आपको जितना पूरा याद हो गया, नेक्स्ट संडे को आप सारा का सारा रिवाइज कर डालो, रिवाइज करो, और फिर इसको जब आप स्पीकिंग करते हो, बोलते हो कुछ भी, आप उसको उसमें यूज़ करो। और आपके आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं दिखने में, मतलब जो भी चीज़ें दिख रही हैं, घर के सामान से लेके बाहर के सामान तक जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, उसका इंग्लिश सबसे पहले जानने की कोशिश करो, उसकी इंग्लिश सीखो पहले, ताकि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे आसपास जो दिखते हैं, जो रहते हैं, उसी से संबंधित हम ज़्यादातर बोलते हैं, तो उसको हम बोल सकें। सबसे पहले वो चीज़ सीखो आप, जो भी हमारे आसपास दिख रही है चीज़ें, सबसे पहले उसका एक लिस्ट बनाओ और उसका इंग्लिश लिखो, फिर उसको याद करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मीन्स आप ये मत सोचना कि कोई तरीका होगा, कोई रूल्स होगा, कोई जादू होगा जिसे हम कुछ याद कर ले, तो ऐसा बताओ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि सर ये कोई रूल्स है क्या याद करने का? मैं बोला रूल्स यही है जो मैं उनको, जो आपको बता रहा हूँ अभी, उनको भी यही बताता हूँ। रूल्स यही है, तरीका यही है, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रास्ते से, इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आपको याद रखना है कि रोज हमें फाइव वर्ड मीनिंग्स याद रखना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं याद किया, फिर कल भी नहीं याद किया, चलो तीसरे दिन हम साथ में याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर धीरे 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 उसकी संख्या बढ़ती जाती है, फिर एक दिन पता चला अब 50-50 वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, 200-200 वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, कैसे याद करेंगे? नहीं करेंगे, देख के ही मन डाउन हो जाता है कि अरे यार इतना वर्ड्स कैसे याद होगा। इसलिए आप फाइव वर्ड मीनिंग्स याद करने का ये टारगेट रखो रोज रोज का, कि फाइव वर्ड मीनिंग्स मुझे रोज याद करना है, फाइव वोकेबुलरी रोज याद करने हैं मुझे इंग्लिश के। इस तरह से आप 1000 से भी ज़्यादा एक साल में इंग्लिश का वर्ड्स याद करके रखोगे, याद रहेगा दिमाग में आपके। वैसे तो 1800 से भी ज़्यादा याद हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे याद नहीं रहते हैं क्योंकि सारे के सारे यूज नहीं होते इसलिए। बट कम से कम एटलीस्ट 1000 वर्ड्स तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। अगर 1000 जिस दिन आपको याद हो गए, उस दिन आप इंग्लिश अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, और आप करेंगे भी। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।